हेलो गाइस, मैं भारतेंदु भूषण। आज बेसिकली बात करेंगे हम लोग नील के आंदोलन जो 1859 टू 1860 हुआ था। तो नील आंदोलन के पीछे क्या कारण था, इंडिगो रिवोल्ट जो कहते हो आप, तो इंडिगो रिवोल्ट या नील के आंदोलन के पीछे क्या कारण था वो तमाम देखेंगे। उसका थोड़ा सा जो है डीपली भी और ब्रीफली भी डिस्कशन करेंगे। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप लोग जो है वेल एंड फाइन होंगे। तो गाइज आज चलते हैं इस टॉपिक पर, जो है वो तमाम ऐसे कुछ उदाहरण भी देखेंगे, कुछ समस्या क्या था इस टॉपिक को, मतलब कि 5 से 7 मिनट में जो है पूरा नील के आंदोलन को जो है हम लोग देख लेंगे। यदि बात करते हैं नील के आंदोलन या नील आंदोलन की, तो माना जाता है ये नील आंदोलन हुआ था कहाँ, बंगाल में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि नील की खेती करने पर किसान को मजबूर किया जाता था। और मजबूर कौन करते थे, जो जमींदार होता था। किसके इशारे पे किया जाता था, ब्रिटिश के इशारे पे किया जाता था। तो यही तमाम जो है इसका ऊपरी भाग है। तो अंग्रेजों के शासन काल में जो है किसानों का पहला जो है यही आंदोलन माना जाता है, एक संगठित विद्रोह जो था वो नील विद्रोह के नाम से ही जाना जाता है। मतलब इससे पहले कभी भी किसान इतने मुखर होकर जो है अंग्रेज के विरोध में आवाज नहीं उठाया था, लेकिन ये पहली बार हुआ था 1859 में, जब किसान जो है पूरे तरीके से जो है, मतलब कहने का मतलब कि अंग्रेज के विरोध में उतर आया था। हुआ क्या था, मुद्दा था ये कि यूरोपीय बाजार में जो है मांग की पूर्ति करने के लिए नील उत्पादकों को जो है किसान मजबूर करती थी कि कम लाभ पर या बिना लाभ पर जो है वो नील का उत्पादन करे। लेकिन अब प्रश्न आता है कि क्यों ऐसा जो है नील का उत्पादन करने के लिए क्यों कहती थी। तो यदि आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताइए, या नहीं तो देखिए नील के उत्पादन बेसिकली जो करने के लिए गवर्नमेंट जो है मजबूर करता था किसानों को, इसके पीछे एक एग्रीमेंट था। और जो है किसान से जो है ये जमींदार जो है वो एग्रीमेंट को साइन करवा लिया था। अब तो साइन करवा लिया तो इस वजह से जो है किसान जो है उसमें फंस गया था। और वो जो है एक मामूली सी रकम दिया जाता था उस एग्रीमेंट के बदले में, और वो जब रकम आप लौटाने जाता था जब कोई किसान, तो वो रकम नहीं लिया जाता था। और उसे जो है सिर्फ लिया ही नहीं जाता था, बल्कि वाप मतलब इस एग्रीमेंट को करने का तो प्रावधान था, लेकिन इससे जो है वो एग्रीमेंट को जो है वो समाप्त करने का कोई प्रावधान गवर्नमेंट नहीं रखी हुई थी। दरअसल बेसिकली ये जबरन एक तरीके से जो है वो चाहता था कि जमींदार की लाठी के दम पे यहाँ पे जब जाता था कोई किसान वापस करने के लिए कि एग्रीमेंट हम नहीं रखेंगे, हमें जो है अपने जमीन पे, क्योंकि जमीन इतना उपजाऊ था तो चावल गेहूं उससे ज्यादा उपज था, लेकिन नील का उत्पादन भी उतना नहीं हो रहा था। और जो जमीन नील के उत्पादन के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं उस पर भी उत्पादन करवाना था। तो इसमें यही जो है समस्या था किसानों के साथ। तो इसके बदले में किसान जो है जब जाता था वापस करने, वो जो एग्रीमेंट के बदले जो पैसे दिए जाते थे गवर्नमेंट या जमींदार जो है पैसा जो देता था, वो पैसा जब वापस करने जाता था तो उसे जो है लाठी मारकर जो है भगाया जाता था, किसानों को उसके जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, उसके मवेशी को लूट लिया जाता था, उसके महिलाओं एवं बच्चों के साथ जो है मारपीट किया जाता था। तो ये सब समस्या जो है वो बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। लेकिन आपको मालूम होगा कि ऐसे समस्या बहुत ज्यादा दिन तक तो चल नहीं पाते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, नील आंदोलन की शुरुआत जो है 1859 में हो गया। लेकिन ये 1859 में जो हुआ ये वास्तव में एक जो है बड़ी ही नाटकीय ढंग से जो है इसका शुरुआत हुआ। और ये शुरुआत इस तरीके से हुआ कि एक जो डीएम था, मजिस्ट्रेट था, बेसिकली डिप्टी मजिस्ट्रेट था, तो एक डिप्टी मजिस्ट्रेट था और वो भूल कर जो है उसे लगा कि शायद गवर्नमेंट ने ऐसा हवाला दिया है कि किसी को खेती करना है नील का तो करे, और यदि नहीं करना है तो नहीं करे, मतलब कि इच्छा अनुसार जो है उत्पादन करे। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि ऐसा जो है डिप्टी मजिस्ट्रेट ने जो है वो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, तो हजारों के संख्या में जो है लोग जो है वो वापस करने चले गए। मतलब वो एग्रीमेंट तोड़ने के लिए सबके मन में इच्छा था, लेकिन डर के कारण जो है लोग नहीं तोड़ने जाता था।
तो बाद में क्या हुआ, लेकिन उस पर कोई मतलब कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वो तो गलती से मजिस्ट्रेट ने ऐसा बता दिया था। तो होता क्या है एक दिन कि दिगंबर विश्वास और दूसरा का नाम था विष्णु विश्वास, ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है ये बेसिकली नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसान थे, और जिसने जो है पहली बार, सबसे पहली बार, यही दोनों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है वह पहली बार जो है किसान के विरोध में, और मतलब ये नील के विरोध, खेती के विरोध में जो है विद्रोह पे उतर आया। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने उसे बलपूर्वक जो है उन दोनों व्यक्ति को जो है पर मुकदमा दायर करने का जो है आश्वासन दिया, और फिर जो है हिंसा पर उतर आया, मतलब उसके साथ जो है मारपीट करने लगा। लेकिन उसके साथ देखते ही देखते जो है कुछ दो चार पहले किसान जुड़ गए, और उसके बाद जो है हुआ ये कि बगल के जो गांव के किसान लोग थे तो सब आकर जो है ये दो व्यक्ति के साथ, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के साथ ही आकर जो है सब जुड़ गया। ये सब जो है, ये दोनों आदमी जो है, दोनों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इसलिए इतिहास में इनका नाम दर्ज है, तो ये जो है पहले स्टार्ट किए हैं। तो मतलब इसके नील के रिवोल्ट को यदि स्टार्ट करने वाला क्या आपको नाम पूछा जाए तो दिगंबर विश्वास विष्णु विश्वास जो है वो दो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अब इस घटना से प्रेरित होकर जो है आसपास के क्षेत्र के जितने भी किसान थे सब विरोध में जो है उतर आया। बाद में क्या होता है कि बाद में होता है कि किसान लेकिन जो है कुछ नहीं सुना, सबको जो है मजबूर किया, लेकिन बाद में जब समस्या बढ़ता चला गया तो इस वजह से जो है किसान पर जो है वो केस करने का जो है जमींदारों ने को सोचा कि जो एग्रीमेंट करवाया था, लेकिन वो बेसिकली इशारा मतलब दिमाग पीछे की गवर्नमेंट का था, लेकिन सामने जो है जमींदार को आगे किया गया था। तो अब इस वजह से जो है ये किसान जमींदार जो है वो केस करने का धमकी दिया किसानों को, लेकिन किसान जो है इस धमकी का जवाब जो दिया किसान ने, किसान ये किया कि जितने भी किसान दूसरे किसान थे और जो भी नील के खेती में काम करते थे या नील के फैक्ट्री में भी काम करता था, उस सबको जो है बाइकॉट करने, मतलब सोशल बाइकॉट करने के लिए जो है वो एक मुहिम चला है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जो है काफी इफेक्टिव हो गया, और लोग जो है बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिए नील के संबंधित कोई भी कार्य में। तो इस वजह से क्या होता है कि बंगाल में जो है धीरे धीरे पता चल जाता है, लेकिन जो है पता चलने के बाद भी जो है लोगों को जब मालूम चल गया तो मुकदमे लड़ने के लिए जो है फिर वो जमींदार लोग जो है पैसे की अव्यवस्था में भी लग गए। फिर बंगाल के अब जो है बुद्धिजीवियों का नील के आंदोलन में क्या योगदान था, हम थोड़ा सा उस पर जो है देखेंगे। तो बंगाल के बुद्धिजीवियों ने आंदोलन में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऐसा माना जाता है, क्योंकि उसने किसान के समर्थन में जो है बहुत सारे लेख लिखे, समाचार पत्रों में लिखा, तरह तरह के, जैसा कि उदाहरण के तौर पे आप जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी जो है एक हिंदू पैट्रिएट नाम के पत्र लिखकर जो है उसमें समस्या, पूरे किसान की समस्या को जो है दिखाया और लोगों के सामने लाया। दीन बंधु मित्र ने जो है नील दर्पण द्वारा जो है गरीब किसानों की दयनीय स्थिति को जो है लोगों के सामने लाने का काम किया। तो ये सब जो है इन लोगों का योगदान माना जाता है इस आंदोलन के अंदर। फिर जो होता है कि स्थिति को देखते हुए सरकार ने जो है वो एक सोचा कि इस पर जो है एक आयोग का गठन करेगा, और जब आयोग का गठन हुआ तो फिर आयोग के गठन पर जो है ये जो मतलब जबरन जो है नील का खेती करना जो था उसको हटा दिया। फिर वो आयोग जो है इसको उस बयान को या उस डिसीजन को निरस्त कर दिया, और उसके बाद हुआ कि विवाद जो है उत्पादन बंगाल में अपने कारखाने को बंद करके जो है यहाँ से 1860 तक में जो है आते आते ये नील का आंदोलन समाप्त हो गया। तो यही बेसिकली नील का आंदोलन था, 1960 में समाप्त हो गया। जो एंड गाइस कैसा लगा लेक्चर वो जो है कमेंट करके नीचे बताइएगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो यू गॉट कंटिन्यू नोटिफिकेशन। सो